एक बार थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखते हैं। मेरे ख्याल से फ्रेम बहुत अच्छा आ रहा होगा इसका भी। आज बताओ कौन सी का मोटो व्लॉग करें, एक ये खड़ी एक ये खड़ी। यह है इलेक्ट्रा, मेरा मन कर रहा है इसका मोटो व्लॉग करते हैं। ठीक है, पुरानी वाली है, सेल्फ स्टार्टर पर ये इलेक्ट्रा है, बुलेट 350 सीसी की। ठीक है, तो चलो आज इसे लपेट कर लेके चलते हैं। हाँ जी, तो आज कब जा दिए हमने इलेक्ट्रा रॉयल इनफील्ड बुलेट, जिसके ना तो आगे के ब्रेक ढंग से लग रहे हैं, मतलब लग रहे हैं पर बहुत ज़्यादा प्रेस करने के बाद, और इसकी चाबी भी स्पेशल है, ऑन हो गई और ये रख ली जेब में। सेल्फ इसका सेल्फ चालू है भाई। तो देखो, मैं किसी की बाइक छोड़ता नहीं हूँ, बाइक आ जाती है घर और मैं चल देता हूँ लेके। और ये पुरानी वाली इनफील्ड है भाई, जो थोड़ा सा काम मांग रही है, वाकई थोड़ा नहीं, मुझे लग रहा ज़्यादा काम मांग रही है। अभी इसके बारे में बात करते हैं हम बाहर रोड पे निकलने के बाद। जय श्री कृष्णा। तो राम राम जी सभी को, क्या हाल चाल है सबके, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर मोटो व्लॉग, एंड आज का मोटो व्लॉग है हमारी, जैसे कि मैंने अभी बताया है, रॉयल इनफील्ड के साथ बुलेट है भाई, पुरानी वाली बुलेट है। और गाड़ी के अंदर दिक्कत बताता हूँ क्या है, इसके अंदर इन्होंने काम नहीं करवा रखा, बुलेट किसी और की है ये। जैसे कि अभी मैंने एक मेटियोर की भी वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, वैसे ही मैं इसकी बना रहा हूँ। कोई आया घर पे और मैं लेके चल दिया हूँ। बाइक के ऑप्शन दो थे, एक था हमारे पास एक थी एसपी और एक है ये। और ये बाइक बहुत सारा काम मांग रही है, देखो इसके ब्रेक ब्रेक ठीक से लग नहीं रहे, जो थोड़ा बहुत ब्रेक ठीक लग रहा है वो आगे वाली ठीक लग रहा है, बस जो डिस्क ब्रेक है और पीछे वाला ब्रेक तो ना के बराबर ही है। तो हम स्पीड इसमें चेक नहीं करेंगे, बस एक मोटो व्लॉग बना रहे हैं छोटा सा, इंजॉय करेंगे। मैं पहली बार चला रहा हूँ इलेक्ट्रा और धूप जबरदस्त हो रही है भाई लोग। और जैसे कि सबको पता ही है भाई, इलेक्ट्रा के ऊपर या रॉयल इनफील्ड के ऊपर बैठने का पोस्चर ही ऐसा होता है नवाबों वाला, तो वैसे ही फीलिंग अपनी आ रही है। तो आराम से मैं बैठा हूँ, बस थोड़ी सी अनकंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि ब्रेक ठीक नहीं है इसके, और बहुत पुरानी है एक, बाकी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है भाई कौन कैसी चला रहा है। चल रही ठीक है, अभी मैं चल रहा हूँ 80 की स्पीड में, इससे ऊपर हम इसको भगाएंगे नहीं, क्योंकि जो चीज़ में थोड़ी बहुत गड़बड़ लग रही है उसके साथ उंगली करनी बेकार है। आज का इस बाइक का मोटो व्लॉग इंजॉय करो, एंड यहाँ से जाऊँगा मैं डासने तक, डासने से यू टर्न मार के अपना घर, बातचीत करेंगे मस्त और इस बाइक के मज़े लेंगे। और ये भी देख लेना फ्रेम कैसा आ रहा है, फ्रेम है सुपर व्यू GoPro 11 का, ठीक है। और देखो बाइक का साउंड है नहीं ना के बराबर, जैसे नॉर्मल आता है ना जो कंपनी से आता है, इसका एग्जॉस्ट जो बुलेट का साइलेंसर है वही लगा हुआ है, इसमें अलग से नहीं लगा हुआ, इसलिए बट नहीं कर रही है। देखो रोड कैसे साइन मार रहा है यार, एकदम मस्त धूप की वजह से, अब अंदाजा लगा लो धूप कितनी तकड़ी है। एक बार थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखते हैं, 100, और मुझे लगता नहीं है 100 से ऊपर जाएगी भी। हंड्रेड ही रहेगी। इसका मुंह ऐसा लगता है जैसे टॉप की तरह बाहर निकला हुआ है, और इसका जो ये गार्ड रहता है इतना चौड़ा लग रहा है, बहुत चौड़ा। मेरे ख्याल से फ्रेम बहुत अच्छा आ रहा होगा इसका भी, जैसे मेटियोर 350 का आता है ऐसी इसका आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत पीछे बैठा हूँ एकदम आराम से खोल के। मैं बाइक नहीं छोड़ता, मेरे को कोई भी ऐसी लगती है ना ये बाइक चलानी है, इसकी एक वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं वीडियो बनाता हूँ भाई।
एसपी मैंने चला रखी है एक बार, ये नहीं इलेक्ट्रा नहीं चलाई मैंने, बुलेट चला रखी है क्लासिक, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया, हम तो फ्लाईओवर पे चढ़ गए, हमें नीचे से जाना था। चलो अब आगे से आऊँगा। देखो मुझे 1 से 1.5 किलोमीटर आगे आना पड़ा अगले यू टर्न के लिए। कोई बात ना, तेल कौन सा मेरा लग रहा, मामा के लौंडे का लग रहा। ये भी मामा के लड़के की है भाई। देखो मेरा क्या सीन है ना, मुझे बाइक चलाने में सब में ही मजा आता है भाई, ऐसा नहीं है। कैसे करो, रुक जा, थूक ही सटक गया। वो ना कुछ गुटका वुटका खा रहा है, थूकने वाला था, उसकी नज़र एकदम पीछे पड़ी, उनका रुक जा, सटक गया मैटर को। तो यहाँ आता यू टर्न, IMS पे आगे यू टर्न मिला मुझे। देखो भूल गया ना मैं वहाँ से। बस एक दिक्कत हो रही है, पता नहीं इतनी दूर चलाने में मुझे कमर में पेन होने लग गया। वो तो खैर डिफरेंट पोस्चर होते ही है अलग अलग बाइक पे बैठने का, और इसके चैन सेट भी आवाज़ कर रहा है खट 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 खट। भाई इसमें काम करवा लो रे, थोड़ा सा काम मांग रही है, ज़्यादा भी नहीं मांग रही। ब्रेक वगैरह ठीक करवा लो और चैन सेट चेंज करवा लो, अगर टाइट होगी ठीक हो जाता है तो टाइट करवा लो, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। बाकी धुलाई तो मांग ही रही है, मुझे लग रहा है इसका चैन सेट मुझ पर ही ना टूट जाए, आवाज़ ही इतनी कर रहा खट 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 खट। और मेरे ख्याल से 100 ही इसकी स्पीड रहेगी, टॉप स्पीड इसकी 100 ही है, हो सकता है 100 से ऊपर भी जाए, पर इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में इस टाइप है, ये नहीं जा पाएगी ना मैं चलाऊँगा। उसका रीज़न ये है कि एक तो चैन सेट खराब पड़ा है, ऊपर से बाइक काम भी मांग रही है, ठीक है, तो उसके साथ ज़बरदस्ती करना ठीक बात नहीं है। तो एक तरीके से मैंने इसकी टॉप स्पीड चेक कर ही दी है, थोड़ा सा आधे किलोमीटर का पैच लगाया था, 100 भागी थी, 100 के ऊपर जा भी नहीं रही थी, आधे किलोमीटर पर चलाई थी। ओ भैंस की पूंछ थार क्या बना रखी है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट बाइक ना चलानी चाहिए भाई, उसमें क्या है ना हाथ साफ रहता है। अभी देखो मैं कोई भी बाइक उठा के चल देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे सिंगल टाइम एक बार ये भी नहीं देखना पड़ता कहाँ गियर डलेंगे, क्लिच कैसे छूट रहा है, एस्केलेटर कैसे, ब्रेक कैसे, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, मुझे हैबिट है। मैं, मेरे को बाइक मिलनी चाहिए, मैं चल दूंगा लेकर। वही सीन है, ये आया मेरे दिमाग में वही आया भाई। अभी मैं पहले बाहर गया देखने, आने के बाद मैंने कहा बुलेट लेके आया है या SP, पता चला दोनों आई है, ठीक, दोनों मामा के बेटे आए हैं। तो मैंने कहा आज हम लेके जाएंगे इलेक्ट्रा। देखो क्लासिक और ये दोनों सेम सी लग रही है चलाने में, क्योंकि जो क्लासिक है वो तो घर में ही है, हमारे चाचा के घर में है, तो वो तो मैं चलाते ही रहता हूँ। यार वो सेम सी लग रही है, पर थोड़ा बहुत फ़र्क है, इसका ओल्ड पन इसके अंदर दिख रहा है कि ये पुराना वर्जन है, और उससे थोड़ा सा हैवी भी लग रहा है, लंबी भी है, तो वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दिखता है बस। अगर किसी भी बाइक का मोटो व्लॉग चाहिए तो भाई कमेंट डाल दो, मोटो व्लॉग मिल जाएगा। तो मैं पहुंच गया हूं जिंदल, और इसकी वीडियो हम इतनी ही रखेंगे, बस हम इसको देखना चाहते थे चला के, और आप सबको दिखाना चाहते थे मोटो व्लॉग की फ्रेम कैसा आता है, चलाने में कैसी लगती है। बाकी जितनी आप केयर करोगे बाइक की वो तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो प्रॉब्लम है इसके अंदर वो मैंने बता दिया, चलाने के मामले में कह रहा हूँ। ऐसे तो इसका लॉक भी, चाबी भी फ्री है, ऑन करके मैंने जेब में रखी हुई है। तो जो चलाने में प्रॉब्लम है, एक तो ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए, ऊपर से चैन सेट आवाज़ कर रहा है, एक और प्रॉब्लम थोड़ी सी पीछे से लहक मार रही है। अब पता नहीं रिम टेढ़ा है या क्या प्रॉब्लम है, वो तो जिसकी बाइक उसको पता होगा। पर हाँ मज़ा पूरा भाई बाइक चलाने में। और कहीं एक बार भी बंद हुई हो मुझसे तो बताओ, सिंगल टाइम उससे बंद नहीं हुई भाई। मैं पहुंच गया घर दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खाते रहो, पीते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो और अपनों का भी। जैसे कि मैंने बताया, किसी भी बाइक का मोटो व्लॉग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगा। और तो हम वीडियो डाल ही रहे हैं, बस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर।
मजा आ गया भाई चला के। ये लग गया इसका लॉक, मतलब लॉक तो नीचे है इसका हैंडल लॉक। चलो जी, राम राम जी।